हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं SBI शेयर के बारे में। तो SBI शेयर का अगर आज का प्राइस देखेंगे तो 498 पे चल रहा है, 498.55 पर इक्विटी शेयर। और आज के दिन इसमें 0.26% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अपन बात करें ऑल ओवर मार्केट की, निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो काफी तेजी से गिरे हैं पिछले 2-3 दिनों में। और पिछले 5 दिनों की बात करें तो सारे शेयर नेगेटिव में है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में है, निफ्टी भी नेगेटिव में है। वही ये शेयर पिछले 5 दिनों में 2.78% ऊपर है SBI बैंक। और पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 13% से ऊपर है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में 48% के रिटर्न दिए हैं इसने। वही पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में 144% के बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। आज की बात करें तो आज के ये 2.8% से जरूर डाउन है, लेकिन ये अभी मार्केट सिनारियो ऐसा है, मार्केट थोड़ा क्रेश हो रहा है, उसके बावजूद भी ये पिछले 5 दिनों में तो 2.78% से ऊपर ही है। कल भी ये मार्केट ऊपर था जबकि सारे शेयर नीचे जा रहे थे। तो SBI बैंक है जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, और देखा जाए तो SBI बैंक में मार्केट कैप सबसे ज्यादा है इसका। और अगर बात करें इसमें तो 500 के आसपास इसमें अभी सपोर्ट बना हुआ है, और पिछले कुछ ही महीने पहले 400 के आसपास चल रहा था। और अभी जो इसका आने वाला टारगेट है वो 600 का यहाँ पर टारगेट दे रखा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने टारगेट दिया 600 का। तो आप भी अगर बाइंग कर रखी है तो इसमें बने रहिए, सेल करने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई सेल ना करें, इसमें कंटिन्यू बने रखिए। 600 का लेवल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा इसमें। और काफी बड़ी बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मार्केट गिरता तो भी इसमें आप इसमें यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अगर ये वापस 450 के आसपास जाता है, 450 के लेवल पर, तो आप इसमें वापस बाइंग कर सकते हो इसमें। और अभी के लिए इसमें बाइंग भी नहीं करनी है आपको, लेकिन इसको होल्डिंग कंटिन्यू रखनी है। यहाँ से 500 के लेवल से अगर डाउन जाता है 450 के आसपास, तो ही आपको इसमें बाइंग करनी है, वरना आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रहिएगा। काफी अच्छा शेयर है और काफी बड़ी बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी यही बैंक है। और आपका भी अगर देखेंगे तो अधिकतर लोगों का खाता इसमें SBI बैंक में, तो काफी अच्छी बैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसको, तो इसमें बने रहिएगा। और इतने अच्छे मार्केट क्रेश के बाद भी ये देखा जाए तो अभी सपोर्ट पे यहीं पर है ये, तो इसी से आपको पता चलता है कि अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो मार्केट क्रेश में भी इतने ज्यादा गिरते नहीं है, कॉन्स्टेंट रिटर्न आपको इसमें मिलते हैं और लॉस के काफी कम चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है, लॉस के काफी चांसेस कम है, वहीं आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।